हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम आपको लेके आए हैं वर्कबुक रेनबो क्लास थर्ड की। उस किताब से आपका लेसन नंबर है ये 5। इसके लिए हम कंप्लीट करेंगे, लेसन का नाम है माई क्लासरूम, और इसका जो पेज संख्या है वो आप देखेंगे 39 है। तो इसके लिए हम करते हैं प्रारंभ। वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, सिलेक्ट द थिंग्स विच यू सी इन योर क्लासरूम एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। ये कह रहा है कि ऐसी वस्तुओं के लिए सिलेक्ट कीजिए विच मीन जो कि यू मीन्स तुम सीमित देखते हो, इन योर मीन्स अपने क्लासरूम मीन्स कक्षा कक्ष में, एंड राइट मीन्स लिखो देम इन द स्पेस गिवन बिलो। जो नीचे स्पेस दिया हुआ है उसमें लिखना है। तो हम पहले पढ़ते हैं, ये हमारे देख रहे हैं, ये दिए हुए हैं हमें, क्या है? टीवी, टेबल। पहला हमारा क्या है? टेबल। हम अपने क्लासरूम में टेबल देखते हैं तो हम टेबल फिल कर देंगे। टीवी नहीं होती है अभी, मोबाइल फोन नहीं होता है, ब्लैक बोर्ड होता है तो ब्लैक बोर्ड हम फिल कर देंगे। वर्ड नहीं होता है, चाक स्टिक होता है तो हम चाक भर देंगे, और डस्टर भी होता है, डस्टर फिल कर देंगे। डाइनिंग टेबल नहीं होती है, चेयर होती है तो हम चेयर फिल कर देंगे। ग्लोब भी होता है तो हम ग्लोव इसमें फिल कर देंगे। इसके बाद आता है फैन, फैन भी होता है क्लासरूम में। डोर मीन्स दरवाजा, दरवाजा भी होता है तो दरवाजा, और विंडो मीन्स खिड़की भी होती है। तो इस प्रकार से हम ये अपना सब फिल कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट के लिए। कंप्लीट द वर्ड विद अप्रोप्राइट लेटर्स। कह रहा है जो हमें ये वर्ड दिए हुए हैं इसमें हमें जो खाली स्थान छूट गए हैं वो हमें फिल करना है। जैसे हमारा पहला लिखा हुआ है विंडो, जो इसमें वर्ण छूटे हुए हैं वो हमें भरना है। जैसे WIND O W, तो हमने आई और डी इसमें फिल कर दिया। ये लिखा है ब्लैक बोर्ड, VLA A फिल किया, CK K फिल किया, VOO फिल किया, AR। तो इसी प्रकार से डस्टर है, चेयर है, चाक स्टिक है, टेबल है, बुक है, क्लासरूम है, डोर है, स्कूल है, टीचर है, और फ्रेंड है। तो ये हम सब अच्छी तरह से फिल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस और दैट। यहाँ हमें फिल करना है दिस और दैट। तो दैट दिस का अर्थ होता है बच्चों ये, और दैट का अर्थ होता है वह। जब कोई वस्तु, कोई थिंग्स हमारे पास में होती है तो उस वस्तु के संबोधन के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु हमसे दूर होती है तो उस वस्तु के संबोधन के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये बैग है, ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास क्या है? बैग। ये हमारे पास ही है तो हम यहाँ दिस फिल कर देंगे। दिस इज ए बैग। दिस मीन्स ये, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, बैग मीन्स बैग, ये एक बैग है। दैट इज एन अम्ब्रेला, दैट मीन्स वह है, इज मीन्स है, एन मीन्स एक, अम्ब्रेला मीन्स छाता। तो छाता दूर है, दूरी पे है तो हम यहाँ दैट का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार ये हमारी बुक पास में है तो दिस मीन्स ये, इज मीन्स है, डस्टर, ये हमारा डस्टर है, बुक नहीं है तो ये डस्टर है, दिस इज ए डस्टर। आगे पढ़ते हैं, दैट मीन्स वह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, बस मीन्स बस, वह एक बस है तो हम यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार सी, दिस मीन्स ये, इज मीन्स है, ए हट मीन्स झोपड़ी, ये झोपड़ी है। और इसके बाद आता है काइट, दैट मीन्स वह, इज मीन्स है, ए मीन्स है, काइट मीन्स पतंग। ये प्रश्न अंक आपका 40 था, अब 41 पे पहुंचते हैं। क्या कह रहा है 41 पे? लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पिक्चर को देखिए और उसका नाम, जो ब्लैंक्स दिया हुआ है, खाली स्थान दिया है, वहां हमें फिल करना है। दिस मीन्स ये, मीन्स है, ए मीन्स है, टेबल मीन्स मेज, ये
एक मेज है, तो हम ये टेबल फिर कर देंगे। ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, कहाँ है? ये कुछ दूरी पे है, दूर है, तो हम इसको बोलेंगे वह एक ब्लैक बोर्ड है, तो हम यहाँ ब्लैक बोर्ड फिल कर देंगे। अब आता है चेयर, ये कुर्सी हमारे पास में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? दिस मीस, ये मीस है, ए मीस एक चेयर मीस कुर्सी, ये एक कुर्सी है। दैट मीस वह एज मीस है, ए मीस एक फैन मीस पंखा, ये फैन है पंखा है। दिस मीस ये एज मीस है, ए मीस एक गेट मीस दरवाजा, ये एक दरवाजा है। अब चलते हैं पृष्ठ संख्या 42 पर। दैट मीस वह एज मीस है, ए मीस एक ग्लोब मीस, जो पृथ्वी का ग्लोब होता है, पृथ्वी होती है, उसको हम कहते हैं, तो ये हम दैट का प्रयोग करेंगे यहाँ, क्योंकि दूर है कुछ। अब आता है बैट, दिस मीस ये एज मीस है, ए मीस एक बैट, ये बैट है, ये पास में है। दैट मीस वह एज मीस है, ए गेट मीस दरवाजा, वह दरवाजा है, दूर है, ये पास में है हमारा गिलास। तो दिस मीस ये एज मीस है, ए मीस एक गिलास मीस गिलास, ये है गिलास है। दैट मीस वह एज मीस है, ए मीस एक फुटबॉल, वह फुटबॉल है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज संख्या है आपकी ये 43। ये कह रहा है कि रिरेंज द वर्ड्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस। ये हमें ये वर्ड दिए हुए हैं, ये उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं, आगे पीछे दिए हुए हैं, इनको हमें सही तरीके से लिखना है और इस लाइन में हमें फिल करना है। जैसे ये दे दिया उन्होंने कि ए इज दस दिस बुक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको दिस पहले लिखेंगे, उसके बाद इज लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर बुक लिखेंगे, तो इसका अंत हो जाए दिस इज ए बुक। इसी प्रकार से मैट ए दैट इज, इसको हम कैसे लिखेंगे? दैट मीन्स वह इज मीन्स है, ए मीन्स एक मैट मीन्स चटाई, वह एक चटाई है। इसके बाद क्या लिखेंगे? दिस इज ए पैन ए, तो इसको हम सीधा कर देंगे, तो दिस मीन्स ये इज मीन्स है, ए मीन्स एक पैन मीन्स पैन। इसी प्रकार इसके लिए अरेंज करेंगे एंड दैट ऑरेंज इज, तो ये क्या है? वह ऑरेंज है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे 44 पे चलेंगे, क्या कह रहा है? रीड एंड राइट द करेक्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, पिक्चर के देखकर जो है सही सेंटेंस लिखना है। ये पूछ रहा है व्हाट मीस क्या, इज मीस है, दिस मीस ये क्या है, तो इसको हम भर देंगे दिस मीस ये इज मीस है, ए मीस एक विकेट मीस पार्टी। सेकंड ऐसे पढ़ेंगे व्हाट मीस क्या, इज मीस है, दैट मीस वह क्या है, दैट इज ए फिश, ये एक मछली है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो इसको हम जो हमारे पास में है तो दिस का प्रयोग करेंगे, दिस इज ए कार, ये कार है। व्हाट इज दैट, वो क्या है, तो दैट इज ए पीकॉक, वह मोर है। तो इस तरह से ये हम सब भर लेंगे।